और लोकसभा चुनाव के तीन चरण अभी बाकी हैं। चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर जा चुकी है। पांचवें चरण के चुनाव की तैयारी जोर शोर से हो रही है और आइए अब आपको दिखाते हैं इन तैयारियों के कुछ अलहदा रंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मोदी प्रशंसकों में किस प्रकार का क्रेज है, इसकी वानगी बीकानेर में देखने को मिल सकती है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीकानेर आगमन से पहले प्रशंसकों में मोदी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। बीकानेर में पीएम मोदी के एक फैन ने मोदी के नाम की हेयर कटिंग कराई है। इस हेयर कटिंग को लेकर पूरे बीकानेर में चर्चा हो रही है। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सतरंगी सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत कलेक्ट्रेट परिसर में मानव श्रृंखला बनाकर ज्यादा से ज्यादा मतदान करने का संदेश दिया गया। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। डीडवाना में भी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर डीडवाना में पुलिस के साथ साथ आईटीबीपी के सुरक्षा दस्ते ने फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को भयमुक्त होकर मतदान करने का संदेश दिया। ये लोकतंत्र को सेहतमंद बनाने की दवाई है। डॉक्टर साहब के लिखे दवाइयों पर पर्चे पर लगी ये मुहर चर्चा का विषय बनी हुई है। हर कोई देख रहा है कि आखिर दवाई के साथ डॉक्टर साहब ने ये क्या लिख दिया। दरअसल ये मरीज के लिए कोई चेतावनी नहीं, लोकतंत्र के पर्व में भागीदार होने की मुनादी है। दवाई के पर्चे पर लिखा है मतदान करें, जागरूक बनें। महाराजगंज जिला प्रशासन की पहल पर जिला अस्पताल या किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में जो भी मरीज इलाज के लिए पहुँच रहे हैं, इलाज के बाद उनकी दवाई की पर्ची पर यही मुहर लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मतदाता जागरूकता के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, सभी विभाग इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं और तो अपने पूर्ण निष्ठा पूर्ण तत्परता के साथ इस काम को कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी इसी कड़ी में जागरूकता का कार्यक्रम कर रहा है। जो रोगी मरीज उनके पास उपचार के लिए आते हैं उनकी पर्ची पर वो मतदाता जागरूकता की एक मुहर लगाते हैं, जिसमें ये अंकित होता है कि आप मतदान करें, मतदान का महत्व जानें। जाहिर है लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर लगातार पहल की जा रही है और इस मुहिम में स्वास्थ्य विभाग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। स्वास्थ्य विभाग की इस कवायद से मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।